रेडी हैं आप लोग? आज रेडी है। 1 2 3 4 उड़ के खा गया। लवली शैंपेन। बस यार मैंने कभी पी नहीं है। अरे पियो पियो कुछ नहीं होता। पियो पियो। चीयर्स चीयर्स। ये तो शुरुआत है गुरु। अब नुस्खा हाथ में आ गया है, देखना मैं कहां से कहां पहुंचता हूं। भैया आप लोग बैठ के सेलिब्रेट कीजिए, मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। अरे आप पीजिए ना, पीजिए पीजिए। गुरु तुमने मेरी जिंदगी बना दी गुरु, तुम्हारी वजह से मैंने 1,00,000 रुपए कमा लिए। तुम्हारे जैसे कितने आते हैं और मेरे तलवे चाट के जाते हैं। गुड नाइट, जिंदगी बनाया मेरी। सेलिब्रेशन खत्म हो गया? राधा, राधा है, आई लव यू राधा। तुम ही मेरे सपनों की तस्वीर हो, मेरा रोम रोम तुम्हें पाने के लिए बेचैन है राधा। आज मेरी दीवानगी नहीं रुकेगी, मेरी जिंदगी का हर रास्ता तुम्हारी तरफ जा रहा है राधा। मैं तो कब से तुम्हारी हो चुकी हूँ, सिर्फ तुम्हारे मुझसे सुनने का इंतजार था। गुड मॉर्निंग। हाय, आई एम सॉरी राधा। क्यों? मुझसे रात बहुत बड़ी गलती हो गई। यूं कहो हमसे गलती हो गई, जिंदगी में कभी कभी कदम बहक जाते हैं, बहकर फिर संभलना भी पड़ता है। हम एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं, और हर प्यार की मंजिल एक ही होती है, शादी। क्या हुआ, चुप क्यों खड़े हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। अजीब आदमी हो, हर बात में शर्माते हो। आई लव यू कहने में इतने दिन लगा दिए, पता नहीं शादी करने में कितने दिन लगाओगे। अब तो मैं तुम्हारी और तुम मेरे हो चुके हो, बगैर शादी के अब एक दिन मेरा ना अच्छा नहीं। हम कल ही शादी कर लेंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न स्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। हरि ओम यानि कानि जपापानि प्रदक्षिणायां पदे पदे
सासू जी हाँ? ये घास बहुत बड़ी हो गई है, इसको काट के गाय को खिलाना चाहिए। हाँ हाँ। अरे पोस्टमैन, पोस्टमैन। बहु तुम्हें तो बस अपने काम की पड़ी रहती है, घर की कोई चिंता ही नहीं। अरे भाई क्या हुआ? चंदो पहले सारा दिन चहकती रहती थी, पूरे घर में फुदकती रहती थी। जब से किशन गया है एकदम गुमसुम सी हो गई है, रोज उसकी चिट्ठी की राह देखती है। आज भी जब चिट्ठी नहीं आई तो कमरे में बैठी हुई आंसू बहा रही है। क्या हो गया है किशन को, एक चिट्ठी तक नहीं डाली उसने। बंबई की हवा लग गई है उस उल्लू के पट्टे को, मैं भी उसकी चौकड़ी भुला दूंगा। हरामखोर अपने आप को समझता गया है, आखिर कर क्या रहा है वहां? क्या सोच रहे हो? सोच रहा था हम एक दूसरे के इतने पास आ गए फिर भी हमारे बीच की दूरी कम नहीं हुई। अब हाँ ये ठीक है। किशन तुम उससे शादी करके खुश हो ना? ऐसा सवाल पूछा नहीं जाता रहता, जवाब महसूस किया जाता है। तुम क्या महसूस करती हो? मेरी जिंदगी में बस एक ही कमी थी, उसे तुमने पूरा कर दिया। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी किशन। I love you. ओके आई विल सी टू दैट। ओके मैडम, किशन साहब का खत है, पोस्टमैन अभी देकर गया। अच्छा। फ्रॉम भीम सिंह, मकान नंबर 12, कटरा, इलाहाबाद। हेलो कैसे हो शर्मा जी? आए नहीं आए? क्या हुआ, मोटरसाइकिल ठीक हो गई? अरे हाँ ठीक हो गई, गराज वाला कह रहा था शाम को आके ले जाना। शर्मा जी भी नहीं है, 10 बज गए। किशन ये भीम सिंह कौन है? भीम सिंह क्यों, क्या बात है? ये उनका खत है। तुमने ये खत पढ़ा? दूसरों का खत पढ़ना तहजीब के खिलाफ है। अरे हाँ ये तो है। गधे की औलाद, बंबई गया तो वहीं का हो गया? हर हफ्ते चिट्ठी भेजकर हमें बेवकूफ बना रहा है उल्लू के पट्टे। बीवी को ले जाते हुए दम निकलता है? आंखें खोल के चिट्ठी पढ़ ले, एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर तू अपनी बीवी को लेने नहीं आया तो दूसरे हफ्ते मैं तेरी बीवी को लेकर बंबई आ रहा हूं, तेरा बाप। ओह माय गॉड। ये लो बाबूजी। देखो 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 उनकी चिट्ठी आई है, जल्दी पढ़ो ना जल्दी। अरे कृष्ण की चिट्ठी देखकर तू इतना उछल रही है, अगर वो तुझे कहीं साथ बंबई ले गया तब तो तू हमारे हाथ नहीं लगेगी। हाँ जल्दी पढ़ो ना। अरे पढ़ता हूँ पढ़ता हूँ, और क्या लिखा होगा, यही ना कि अभी तक घर नहीं मिला, घर मिलते ही आऊंगा और चंदो को लेकर जाऊंगा। देखा बिल्कुल वही लिखा है जो मैंने कहा था, जन्म का धोखेबाज है ये। जानती है अपनी अम्मा को धोखा देकर 8 महीने में पैदा हो गया था, लेकिन इस बार मैं भी ऐसी गोली दागूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा उल्लू के पट्टे को। मैं भी बाप हूं उसका। साहब आपका टेलीग्राम आया है। टेलीग्राम? मदर सीरियस स्टार्ट इमीडिएटली। माँ, 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 माँ। वागे वागे। आओ बेटा। माँ, माँ तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है? मेरी बात छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारी बीमारी का झूठा तार भेजकर मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? ये बात जाके अपने बाप से पूछ।
पिताजी, मुझे दफ्तर से एक दिन की भी छुट्टी मिलना मुश्किल है, फिर झूठ बोलकर मुझे यहां क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? अबे उल्लू के पट्टे, तू वहां और तेरी बीवी यहां, ये कितने दिन चलेगा? हा? लेकिन पिताजी, बंबई में मकान मिलता ही नहीं है, एक एक कमरे में 10-10 आदमी रहते हैं। मकान नहीं मिलता ना? जी नहीं। तो छोड़ दे वो नौकरी और चला आ यहां, मैं तुझे जिंदगी भर खिला सकता हूं। ये क्या कह रहे हैं आप, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दूं मैं? अबे जा, बड़ी अच्छी नौकरी कर रहा है। ए, कान खोल कर सुन ले, अगर तू बंबई जाएगा तो अपनी बीवी को साथ लेकर जाएगा, नहीं तो यहां टांग तोड़कर तुझे कमरे में हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, समझा? देख बहू, तू पहली बार बंबई जा रही है, सुना है बहुत बड़ा शहर है, संभल के रहना। तुम चिंता मत करो सासू जी। और सुन, पति को पल्लू से बांध के रखना, तभी तू उसे अपने बस में रख सकेगी। हाँ, अरे भाई गाड़ी का टाइम हो गया है, जल्दी करो। हाँ हाँ आ रही हूँ। पति को पल्लू से बांध के रखना। ये क्या कर रही है? सासू जी ने कहा था कि पति को पल्लू से बांध के रखना। क्या मुसीबत पगली कहीं की। अखंड सौभाग्यवती रहो। अरे वो क्यों रही है? अपने घर जा रही है, हंसी खुशी जा। तुम भी बंबई आना बाबूजी। हाँ बेटे, जरूर आऊंगा। देखो बंबई पहुंचते ही तार दे देना जी। और सुन, अगर बहू को किसी किस्म की तकलीफ दी तो, समझ गया ना? ए जी, चूड़ा खाओगे? करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, राधा को क्या बताऊंगा मैं? ऐसा करता हूं, इसे कुछ दिन के लिए किसी अच्छे होटल में या किराए के मकान में ठहरा देता हूं, बाद में इसे इसके बाप के घर छोड़ाऊंगा। अरे इसमें कपड़े लाइए, पत्थर भर के लाइए। ए कुली, ए कुली, चलो चलो ना। चल दो काम कर, तू वो बेंच देख रही है, वहां जाके बैठ जा प्लीज। क्यों? अरे बाबा ये शहर है, गांव नहीं है, यहाँ सवारी बड़ी मुश्किल से मिलती है, टैक्सी की बहुत बड़ी लाइन होती है और लाइन में वेट करना पड़ता है। मैं टैक्सी ढूंढता हूँ, तू एक काम कर, चुपचाप वहां बैठी रहे और हिलना मत जब तक मैं नहीं आऊँ। प्लीज। मैं नहीं बैठूंगी। प्लीज अपना बैग। जल्दी आना। अरे राधा। किशन। तुम यहाँ कैसे? मैं तो रोज आती हूँ, तुम तो अचानक चले गए, मिले भी नहीं, बस इतना लिख गए कि 3 दिन के बाद आ रहा हूँ। उस दिन से आज तक ट्रेन तो लेट हो गई, मगर मैं लेट नहीं हुई। अब पता चला कि इंतजार की घड़ियां क्या होती हैं। अच्छा। इतना प्यार करने वाली पत्नी नहीं मिलेगी तुम्हें। मालूम है। चलो। तुम बहुत थके हुए दिखाई देते हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अच्छा। अरे ओ क्या हुआ? वो बैग भूल आया। कौन सा बैग? किसी दोस्त ने दिया था, कहीं पहुंचाना था, उसके अंदर बहुत जरूरी कागजात थे, मुझे लगता शायद वो स्टेशन पे रह गया होगा, मैं अभी लेकर आया। अब भी गया और अभी आया। अरे किशन, अब जाने से क्या फायदा, अब तक तो कोई उसे उठा ले गया होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, उसे कोई नहीं हाथ लगाएगा, मैं अभी आया ना। Thank you.
हाँ? ये क्या चेहरे पे हवाइयां परेशानियां, बड़े बेसुरे चले आ रहे हो? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या हुआ, सुबह से शाम तक बैग ही ढूंढते फिरे, मिला? कैसा बैग? जल्दी तो इनके सर पर सवार रहती है, एक छोटा सा बैग था, स्टेशन पर ही भूला है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं किस किस को क्या जवाब दूंगा? अब छोड़ो, जो होना था सो हो गया। नो टेंशन प्लीज, मिलना है तो मिल जाएगा, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते हैं, मैं आपको अभी फ्रेश किए देता हूँ। अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा, दो कॉफी ले आओ गर्मा गर्म। अरे इतना चमक क्यों रहे हो? हाँ, आप दोनों की पहचान नहीं करवाई ना, इसलिए। तो ये है अपना न्यू म्यूजिकल टच, स्टेशन पे तुमने अपना बैग खोया और इस बेचारी ने अपना पति, और क्या नाम है तुम्हारा, चंदो, चंदो ये है मिस्टर किशन, मेरी बहन के पति देवता। अब पूछोगे मिली कैसे, मैं अपने दोस्त को ट्रेन में बिठाकर आ रहा था कि क्या देखता हूँ एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है, मैं भीड़ को चीरता हूँ, वहां पहुंचा और क्या देखा कि गहनों से लदी हुई, अच्छे कपड़े पहने हुए, ये धाड़े मार मार कर रो रही है। मैंने सोचा कि बंबई शहर है, कोई इसे बेवकूफ बना के ले ना जाए, तो मैंने इसे पूछा क्यों भाई तू कौन है, क्यों रो रही है, तो मेरी बात का जवाब नहीं दिया इसने, बल्कि और जोर जोर से लगी रोने। मुझे इस पे तरस आ गया और मैं इसे यहाँ ले आया। किसी बेईमान ने इसे इलाहाबाद में शादी की, बंबई लेकर आया और स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। ये तो अच्छा हुआ कि दीपक भैया ने इसे देख लिया, नहीं तो परदेश में बेचारे पर क्या क्या मुसीबतें आ जाती। Oh, my God.